स्टार्ट रिकॉर्डिंग। देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, कभी भी मार्केट की जब आप एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे एक घंटे पर, देखिए एनालिसिस करना सीखिए सर, बिना एनालिसिस किए आपका कल्याण कभी नहीं होने वाला है। तो बड़े टाइम फ्रेम, एक घंटे का टाइम फ्रेम अभी आपको क्या बता रहे, एक घंटे के टाइम फ्रेम में चीजें अभी बड़ी दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। तो सबसे पहले आप एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे एक लाइन लगाइए, 20 की मूविंग एवरेज, और दूसरी है ये आपकी 50 की मूविंग एवरेज। मैं यही करता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी वही करना है। और तीसरी बात, सबसे लेटेस्ट हाई जो भी मार्केट इस तरीके से एटीएस पे चला, ये तीन लेवल आपके सुंदर सुंदर निकल के आ गए, तीन लेवल आपके सुंदर सुंदर निकल के आ गए। अब आप आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पे। अब ये लेवल आपको 15 मिनट के चार्ट पे जब आप आओगे तो इसको आपको एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट कैसे देनी पड़ेगी, जैसे ये लेवल है आपका, ये आज का 50 की मूविंग एवरेज का लेवल, देखिए बहुत ही क्लियर आपका निकल के आया है लेवल, बहुत क्लियर लेवल निकल के आया है। तो कल हम मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, कल मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर मार्केट मेरे को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ लेता हुआ मिल गया, अब थोड़ा सा एक दिन के चार्ट पे आइए, एक दिन के चार्ट पर भी आप देखो कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। एक दिन के चार्ट पे अभी भी मार्केट बाई में है, क्यों बाई में है, आप कहोगे कि ये 82 पर आ गया, ओवरबॉट में चला गया, मानी आपकी बात, सब कुछ आपकी बात मान ली। अब आप एक वीक में आओ तो आप देखोगे एक वीक की कैंडल आपको क्लियर मिल जाएगी, और एक वीक पे मार्केट को देखो, मार्केट अपने नियरेस्ट स्ट्रेंथ वाइज रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ये मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करता हूँ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपना ट्रेड काट दिया है, जिन लोगों को बुक बाग करना है लोग बुक बाग कर लें अपना, मैंने अपना ट्रेड काट दिया है, ठीक है। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे, कल हमारे पास लेवल क्या बनेंगे, कल हमारे पास जो लेवल बनेंगे वो यही बनेंगे सिंपल कि अगर कल मार्केट गैप डाउन भी थोड़ा सा खुलता, हालांकि गैप डाउन खुलने के चांसेस है नहीं, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं इस लेवल पे अपना ट्रेड में प्लान करूंगा। अगर इस लेवल से मेरा ट्रेड ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर जाऊंगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं जाऊंगा। और अगर कल मार्केट यहीं कहीं पर खुलता है तो मैं कौन सी चीज देखूंगा, मैं ये चीज देखूंगा कि मार्केट यहाँ 20 और 50 के आसपास सपोर्ट बना रहा है कि नहीं, या रेंज बना रहा है कि नहीं। रेंज बनाने का मतलब क्या, रेंज बनाने का मतलब ये, देखिए जैसे ये रेंज बनी हुई है, ये एक स्विंग है ठीक है। नीचे की तरफ मैं तभी जाऊंगा जब ये 50 की मूविंग एवरेज ब्रेक होगी और इसके नीचे एक क्लोजर, उसका फॉलो अप क्लोजर मिलेगा, और इसके ऊपर का मैं एसएल डालूंगा और नीचे की तरफ मैं जाऊंगा यहां तक के लिए। ये वाला जो लेवल है वो इस लेवल का स्विंग है, देख लीजिए ये वाला जो लेवल है ये इस लेवल का स्विंग है। तो यहां तक और यहां तक का मुझे डेस जोन तक का यहां तक मुझे टारगेट मिलेगा। और अगर मार्केट कल गैप अप इसके ऊपर ही खुल जाता है तो मैं पहले, जो मैं हमेशा ग्रुप में बोलता हूं, मैं पहले फर्स्ट स्विंग को अनमूव होने का मैं वेट करूंगा। अनमूव मतलब क्या, ये ठीक है जी। अब आइए आ जाते हैं सिंपल बैंक निफ्टी पे, नजर में आ गया, किसी को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, किसी को भी इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो कि सर इसमें ये लेवल भी निकल सकता है या मैं ऐसा सोच रहा हूं तो पूछ सकता है, बताइए है किसी का क्वेश्चन। मेजर लेवल आपका ये है, मेजर लेवल एक आपका ये हो गया, मेजर लेवल आपका ये 20,150 एक मेजर लेवल ये हो गया, और 19,950 का एक मेजर लेवल ये हो गया। ये दो आपके मेजर लेवल हैं। मेजर लेवल के अंदर आपको माइनर लेवल देख के चलना है कि माइनर कौन सा बन रहा है, और लिख के दे दू कल मार्केट साइडवेज रहेगा। अभी इसको हम लोग ऑप्शन चेन की भी मदद से समझेंगे कि वास्तव में मार्केट क्या करना चाहता है। अब आइए आते हैं बैंक निफ्टी पे आते हैं।
बैंक निफ्टी आपको क्या बोल रहा है सरकार, बैंक निफ्टी में देखिए आपको मेजर मेजर लेवल एकदम पता चल रहा है। मेजर लेवल क्या है, 46,153, 46,153। मेजर लेवल ये क्या है, 45,800, 45,800 का लेवल है। अगर आप देखोगे एसएमसी फेसएमसी सबको छोड़ दीजिए, मूविंग एवरेज को देखिए, मूविंग एवरेज यहाँ पर आके खड़ी है, तो इसका मतलब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मैं बियर नहीं बनूंगा। क्लियर है ये बात, बताइए हाँ नहीं बोलिए जी। क्लियर है ये बात। अब ऊपर की तरफ मैं तब तक ज्यादा बुलिश नहीं होऊंगा, ऊपर की तरफ मैं जब तब तक मैं प्योर बुलिश नहीं होऊंगा, जब तक मार्केट 46,150 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मैं प्योर बुलिश नहीं होऊंगा। क्लियर, ठीक है जी। अब आइए आते हैं एक घंटे पर, थोड़ा सा जो मैंने पिछला वाला जो किया था वही मैं आपको यहाँ पर भी करके बताता हूँ। एक घंटे पर देखिए, एक घंटे पे आज के दिन मार्केट एक रेंज में रह गया, तो सिंपल सिंपल क्या लेवल है, ये देखिए ये वाला हाई मार्क कर लीजिए और ये वाला हाई मार्क कर लीजिए। अब इसको 15 मिनट पर लेकर आइए, ये आपकी एक रेंज है साहब, ये आपकी एक रेंज है। अब 15 मिनट पर लेकर आइए इसको, 15 मिनट पे क्लियर फंडा आपको मिल जाएगा। देखिए मिल गया कि नहीं मिला बताइए, मिल गया ना जी? जी सर। तो ये चीज हो गई। अब आपको बियरिश तब होना है जब आप इस मेजर लेवल के नीचे निकलोगे, बुलिश तब होना है जब इस लेवल के ऊपर निकलोगे। अब भाई बात आ जाती, भाई साहब तुमने ये तो बता दिया, बट एक बात ये बताओ इसके बीच में क्या करना है? अगर मार्केट इसी बीच में खुला तो इसके बीच में क्या करेंगे, भूजा खाएंगे? नहीं जी, भूजा नहीं खाएंगे। इसके बीच में क्या करेंगे, मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा चार्ट, तब आपको पता चल जाएगा इसके बीच में क्या होगा। निफ्टी भाग रहा है, मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया क्या? नहीं, ठीक है, 148 पर तो मैंने भी बुक किया है, ठीक है। अब प्लान क्या होगा, व्हाट इज द प्लान? अब ये चार्ट आपका अनचार्टेड नहीं है, बैंक निफ्टी अभी भी अपने एटीएच पर नहीं है, तो बैंक निफ्टी में कल निफ्टी से अच्छा ट्रेड बन सकता है। क्लियर फंडा है, अगर मार्केट इसी किसी लेवल के बीच खुलता है, कहने का मतलब 46,150 और 45,800 के बीच एक खुलता है, तो कोई बता दे क्या करना है, कोई एक आदमी बताए क्या करना है? 20 के ऊपर खुला बोले तो वेट करना, अगर 20 टूट गया तो शॉर्ट, अगर 20 के नीचे ओपन हुआ और 20 क्रॉस किया तो बाय। ओके, एक कंडीशन आपने, एक कंडीशन बकायदे आपने एक्सप्लेन कर दिया अर्जुन साहब, दूसरी कंडीशन बताइए। मैं कल की कंडीशन आज ही फिक्स करूंगा सर, दूसरी कंडीशन बताइए। एक कंडीशन आपने बकायदे सर, ये लेवल का वेट करना, ये जो सपोर्ट है इसके नजदीक आया तो बाय करेंगे, ऊपर उसके रेड के नजदीक आया तो है। ये फ्लूइड ट्रेड को मारिए गोली, एक लेवल मैंने आपको लाइन से भी निकाल के दिखा दिया ना। देखिए एक घंटे पे कहीं फ्लूइड ट्रेड बता रहा है सर? नहीं बता रहा है ना, बताइए जी। हां नहीं बता, लोही तो मार किया है, बोलिए जी। सही बात है, नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। मैंने हाई और लो आपके सामने मार किया, देखिए 15 मिनट पहले आई, अपने आप आ गया ना, ये आ गया ना अपने आप। अब जो अभी आप लोगों ने बोला मैं मार्केट को वेट करूंगा, भैया तुम यहां से आके मुड़ो या तुम यहां से आके मुड़ो, पहली कंडीशन, ठीक है साहब? समझ में आया कि नहीं आया समझ में? जी जी आया। स्टॉप लॉस यहां पर इसके ऊपर, स्टॉप लॉस यहां पर इसके नीचे, SL, समझ में आया? दूसरी कंडीशन, या तो भैया तुम यहां से आके इसको तोड़ो, इसके ऊपर SL, नीचे का टारगेट, या तो तुम इसके ऊपर जाओ, नीचे का SL, ऊपर का टारगेट। तीन कंडीशन टोटल अपने पास हो गई कल ट्रेड करने की। ये होता है प्लान योर ट्रेड, देन आफ्टर ट्रेड योर प्लान। तो अगर यहां से मार्केट निकलता है, यहां से अगर मार्केट निकलता है तो हम कहां पर जाएंगे? यहां पर अगर मार्केट निकलता है तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा। ये देख रहे हैं, ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हो सर?
ये आपका टारगेट होगा, ये टारगेट है आपका 45,620 सिंपल। अगर आप इसको 5 मिनट पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज बनेगी, एसएमसी पर एक रेंज बनेगी, देख लीजिएगा जाके। तो मार्केट अभी भी आपका सेल में नहीं है, ऊपर की तरफ आपको पता है क्या करना है, आपका एटीएच है, आई थिंक एटीएच ही है, होगा नहीं होगा, अगला टारगेट तो है ही, एटीएच पेटीएच को मारी गोली, अगला टारगेट तो ये है ही, ये करना है आपको। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, थैंक यू। सर ये आज का हाई और कल का हाई आपने मार्क करके, कल के डे का हाई और आज के डे के हाई को मार्क करके लाइंस बनाई है ना? देखिए, मैंने आज का लो मार्क कर लिया और आज का हाई मार्क कर लिया, और आज का लो जो लगा है देखिए कल के हाई के पास है, देखिएगा ये जो कल का हाई मारा था, देख रही हैं आप, ये कैंडल, यस सर, खुलते ही जो हाई मारा थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि कल का हाई है या आज का लो है, ये आज का लो है, लेकिन आज का लो इसको भी रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि देखिए कैंडलें यहीं से मुड़ी है, देख रही हैं आप? जी सर, बस सिंपल सिंपल यही है आपका। जब आप इसको 15 मिनट पे ले आओगे तो 15 मिनट पे ले आके आपको थोड़ा सा 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट का एडजस्टमेंट लेना होता है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट इसने लिया नहीं, तो बहुत ही क्लियर क्लियर फंडा निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा 10-15 पॉइंट का आगे पीछे होता है, इन लाइनों को ऐसे 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 कर दिया जाता है ऊपर नीचे, है ना, इन क्लियर है आपका। तो ये है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आइए ऑप्शन चेन पर देख लेते कि क्या होगा। पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, वीकली की। देखिए देखिए यहां पे पुट राइटिंग बढ़ गई, आपके सामने ही बढ़ी है पुट राइटिंग, देख रहे हैं, ये देखिए 87 हो गया, 84 पे मैंने क्लास स्टार्ट की थी, 84 या 83 पे क्लास स्टार्ट की थी, रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा, 87 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखो यहां पे पुट राइटिंग बढ़ गई है, यहां पे पुट राइटिंग बढ़ गई है, आज के दिन का है या अब यहां पे देखो हफ्ते का है, जो यहां पर भी पुट राइटिंग बढ़ी है। अब सेलर कहां बैठा है? मेन सेलर बैठा है यहां पे पुट का, और मेन सेलर बैठा है कॉल का यहां पे, ये तो आपका रस्सा कस्सी वाला जोन है जहां पे बायर और सेलर दोनों जोर लगा रहे हैं और पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, कल के लिए जो हमारी रेंज हो जाएगी ये 20,150 से लेके होगी 20,150। कल के लिए मेरे पास 100 पॉइंट की रेंज मिल रही है 20,050 से 20,150। देखिए निफ्टी में देखिए 20,050 का यही लेवल है। अरे बोलिए जनाब। यस सर, और 20,150 का ये लेवल है। बता दिया ना ऑप्शन चेन ने कि क्या क्या रेंज निकल के आ रही है। पढ़िए ऑप्शन चेन को, पढ़ा कैसे जाता है। ये अच्छे अच्छे लोग आके नहीं बताते हैं। अब आइए सेम आइए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी वीकली में देखिए, आपके सामने ये बराबर हो गया, पीछे जाके वीडियो में रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपके सामने बराबर हो गया, हरी वाली डंडी यहाँ नीचे थी, अब ये बांध में हो गया बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने बोला है कि बैंक निफ्टी में कल आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में। अब आइए यहां पर देखिए, बैंक निफ्टी में आपका क्या मामला बन रहा है, बैंक निफ्टी में जो आपका मामला बन रहा है ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 45,500, नोट कीजिए यहाँ पे 45,500, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 46,500, और ये लेवल है करंट मार्केट का 46,000, इट्स जस्ट अ PSY लेवल। क्या 45,500 और 46,500 पे स्ट्रेडल ओपन है? यहां पे क्लियर दिख रहा है स्ट्रेडल ओपन है, आइए यहां पर देखते हैं। देखिए 45,500 का लेवल ये वाला है,
और 46,500 का लेवल यही वाला है। स्ट्रेडल क्लियरली ओपन है यहां पे। अब 45,800, 46,100, 45,800, 46,100 देखिए, 45,800, 46,200, 100, यही देखिए यही रेंज है। तो बैंक निफ्टी की रेंज क्या है कल? बैंक निफ्टी की रेंज गुरुजी सिंपल सिंपल यही है। ऑप्शन चेन आपको ट्रेड नहीं दिलवाता, ऑप्शन चेन आपको एक रेंज दे सकता है जिस रेंज के अंदर आप प्ले आउट कर सकते हो। कैसे प्ले आउट करोगे वो मैंने आपको एनालिसिस में बता दिया है। यहां आके मुड़ने लगा यहां प्ले आउट कर लो, यहां आके नीचे चला गया यहां प्ले आउट कर लो, यहां पर आके मुड़ने लगा यहां प्ले आउट कर लो, यहां आके ऊपर चला गया यहां प्ले आउट कर लो, बस इतना ही है। इसके अलावा ऑप्शन चेन में कुछ नहीं है आपको जानने के लिए अभी इस इनिशियल लेवल पे। अगर आप केवल इतना ही डेटा मेंटेन कर लो तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, लिटरली बता रहा हूं, मैं भी नहीं पकड़ सकता। सर एक मिनट है, एक ग्रैनुल्स एक बार देखिए सर, ग्रैनुल्स देख लीजिए सर, ग्रैनुल्स देखिए, ग्रैनुल मैंने कल बोला था GRAN ग्रैनुल इंडिया। लो जी ग्रेनुअल कल अपने उसमें आया था गुरुजी, वही सर अभी फ्रेश ब्रेकआउट आया सर जबरदस्त, कल यहीं पर मैंने बोला था, पता है ना आपको, तो बोलिंजर बैंड स्क्वीज स्क्वीज पोजीशन पे आया था ये। यस सर हो गया ना क्लियर कि नहीं ये काम करता है। आप सारे के सारे स्टॉक वहीं से पकड़ो जो मैंने कल बताया था, लिटरली लॉस नहीं होगा। 10 है, 10 में कोई आप आओ चार्ट पे, 10 में पोजीशन बना लो, 10 के 10 में से 8 प्रॉफिट में होंगे, क्लियर फंडा है, क्लियर फंडा है। कहां चला गया ये वाला ऑप्शन, ये भी देखते हैं, भी वहीं चल रहा है, बंद हो गया मार्केट। अच्छा नहीं अभी चल रहा है मार्केट, ग्रेनुअल्स भी था, आईटीसी भी था मेरे ख्याल से, आईटीसी भी था सर, ब्रिटानिया भी था सर, ब्रिटानिया भी था, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ये भी था, देखिए चल रहा है ना ब्रिटानिया सर, बस इसी को क्रॉस करने के लिए सर ब्रिटानिया का बना सकते सर 5000 ब्रिटानिया का कल ही दे दिया सर, ब्रिटानिया का कल ही दे दिया, बटर स्टोन के लिए अक्टूबर का लेंगे या नवंबर का सर, नवंबर का भी खुला नहीं सर, अक्टूबर का लीजिए, अक्टूबर का सीखिए सर। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी जो लर्निंग फीस है ना, लर्निंग फीस है वो आपके लॉस से कहीं कम है, बहुत ज्यादा कम है सर, ये इतनी है आपका लॉस इतना बड़ा है, सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कोर्स में आओ, लेकिन सीखो, जितना बता रहा हूँ उतना ही पकड़ लो ना, तभी कल्याण हो जाएगा, लिख के दे रहा हूँ ये बात। और ये जो अभी मैंने ऑप्शन चेन का आपको जो बताया है मामला, ये ऑप्शन चेन का मामला हर जगह काम करता है, स्टॉक में इंडेक्स में हर जगह काम करता है। गोल्ड दे के रखा है, ये एक बार गोल्ड देखते हैं, GOLD गोल्ड, गोल्ड मैंने कहाँ का दिया था, 1700 नहीं, ये नहीं था, क्रिप्टो वाला था शायद, एक बंदे ने पूछा था तो मैंने उसका चार्ट भी शेयर किया था टेलीग्राम में। नहीं क्या था तो मेरे को स्क्रिप्ट, खैर छोड़ी बाद में देखेंगे उसको। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग देखिए, टीवीएस मोटर, लाल पैथ लैब सर, लाल पैथ लैब देख लीजिए, लाल पैथ लैब का फ्यूचर एनएससी देखिए, ये जाएगा 2500 तक, बिक्री भी अच्छा है। आप लोगों से मेरे, आप लोग मेरे से पूछ कर भी ट्रेड नहीं करोगे, मुझे पता है।
सर ये कल आया था अपने उसमें लाल पैथ लैब्स, उसमें स्क्वीज वाले में ना मैम, स्क्वीज वाले में। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में फ्रेमिंग बैठ रही है ना मैडम? जी सर। बैठाइए फ्रेमिंग। अथाह पैसा है, अनंत पैसा है, प्रोसेस से चलिए, डिसिप्लिन से चलिए, अनंत पैसा है मैडम। यस सर। आपके सामने ही मैंने प्रॉफिट निकाला है, आपके सामने ही ये प्रॉफिट निकला है। 147-48 पे मैंने बुक किया, 152 पे चल रहा है। अब तो मार्केट बंद हो गया, अब क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी? एक मिनट में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस थे लेकिन चलिए नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आप लोग इस तरीके से ट्रेड कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, फिर थोड़ी सी बातचीत।